हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका श्रोज किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो हमें चाहिए एक छाँस, आप दही भी ले सकते हो और उसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हो। तो मैंने जो छाँस बनाया था वही लिया है। तो मैंने 2 कटोरी में बेसन लिया है, सेम क्वांटिटी है, और एक बड़ा ग्लास छाँस। तो 2 कटोरी में बेसन इसलिए लिया है क्योंकि 1 कटोरी से हम बनाएंगे पकोड़े और 1 कटोरी से हम बनाएंगे कढ़ी। तो सबसे पहले हम 1 कटोरी का बेसन लेके उसमें छाँस मिला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्सर में, और यह बन जाएगा हमारा कढ़ी का मिक्स, जो हम 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम पकोड़ों के लिए बैटर बनाएंगे। ध्यान रखना है हमें कि बैटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा स्लरी भी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि बेसन हमारा बस 1 ही कटोरी है। मैंने इसे 4.25 मिनट तक अच्छे से घोला है। थोड़ा सा नमक ऐड करें, इसके बाद फिर नमक के साथ इसको अच्छे से घोल लें। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, पोरेबल है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा इसमें पानी है। तो चलिए अब हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। याद रखना है कि तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अगर तेल में पकोड़े पूरे गिर जाएंगे ना अच्छे से तो ये इतने ज़्यादा अच्छे फ्राई नहीं होते हैं। जब तक तेल गरम होता है मैं कढ़ी के लिए जो तड़का होगा उसकी तैयारी कर लेती हूँ। जब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा, ये मैंने अदरक काट के ले ली है, ये लहसुन, ये कुछ हरा धनिया है, और मिर्ची जो है मैं इसे सीधे काट रही हूँ क्योंकि हम हरी मिर्च के बिना कढ़ी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हरी मिर्च से इतना स्वाद आता है कढ़ी में, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हमारी तैयारी भी हो चुकी है, तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम तेल ज़्यादा गर्म हो गया है बहुत, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और मैंने थोड़ा सा डाल के देखा है कि अच्छा होता है नहीं, और ये बहुत अच्छा हो गया है। तो गैस को अभी मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पकोड़े। अगर हम गैस को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखेंगे और पकोड़े ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो पहले के जो पकोड़े हमने ऐड किए हैं वो जल सकते हैं। इसलिए या तो गैस बंद रखें अगर तेल ज़्यादा गर्म है, या फिर गैस को बहुत ही धीमी आंच पे रखें जब तक कि पकोड़े हम पूरे अच्छे से डाल नहीं लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से गोल गोल जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही मेंटेन है। तो मैंने पकोड़े डाल दिए हैं, इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो होल हुए हैं ये बाद में जाके ये कढ़ी में जब हम डालेंगे तो इस होल में कढ़ी चली जाएगी और ये अच्छे से फूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पकोड़े हैं बिल्कुल भी कढ़ी में घुलेंगे नहीं, और घुले नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। और इसे हमें डीप फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। तो चलिए हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें इन्हें जलाना नहीं है, अगर पकोड़े जलते हैं तो कढ़ी का स्वाद भी अच्छा नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं और ये क्रंची भी हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम बनाएंगे कढ़ी। इसके लिए मैंने अलग सा पैन लिया है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा डीप है पैन। कढ़ी के लिए डीप पैन लेंगे ना तो कढ़ी में हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैंने गरम तेल में जीरा डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद आता है धनिया का पाउडर,
हमें मसाले जलाने नहीं हैं, ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर मसाले जलेंगे ना तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा कढ़ी का और कलर भी बदल जाएगा। 1 चम्मच हल्दी, ये गरम मसाला 1 चम्मच, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ गार्लिक, लहसुन और ये हरी मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक। इसको अच्छे से मिक्स करना है। गैस का जो फ्लेम है मैंने कम रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो जो मिक्सचर था छाँस का, और हमने जो पहले बनाया था सबसे पहले छाँस का और बेसन का, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, जो इस बर्तन में मैंने एक छोटा सा मेरे पास ग्लास है उसमें पानी डाला है। हमें याद रखना है कि कढ़ी जो है बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये दूसरा छोटा ग्लास पानी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने कम से कम 3 छोटे ग्लास पानी इसमें ऐड किया है 1 कटोरे बेसन के इसमें। तो हमारी कढ़ी अच्छे से पक गई है। इसके साइड में ये जो मलाई आई है यही साइन है कि ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें डालूंगी पकोड़े। पकोड़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी दिख रहा है, और कसम से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अब हम इसको अच्छे से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, और ये पक गया है। इसका कलर डीप येलो ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हो। और ये हमारी डिश तैयार है। अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तो इसके ऊपर अगर तड़का हो तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने जीरा, धनिया और 2 हरी मिर्च डाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। अगर आपका मन हो कि ये डिश कोई और भी बनाकर खाए तो आप शेयर भी कर सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।